तो दोस्तों भाई हम बात करेंगे डीमार्ट के स्टॉक के बारे में। डीमार्ट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगा था अप ट्रेंड में देखने मिल रहा था, हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था और जो स्टॉक था वो यहाँ पर लगातार अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। लेकिन जब से स्टॉक ने यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट ही यहाँ पर देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.34% की यहाँ पर एक गिरावट देखने मिली। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें यहाँ से हमारे पास अब स्टॉक में 3546 का जो लेवल है ये यहाँ से स्टॉक में नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3477, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3422 और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3300 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 3652 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3770 और फिर इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी एक अच्छे बाइंग का मौका यहाँ पर देखने मिल सकता है। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3953, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 4162 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट टाइप रेजिस्टेंस। फिलहाल तो हम यहाँ पे स्टॉक पर सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।